अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे समोसा पट्टी या रोल पट्टी, आप जो भी इसको बोलें। उसके लिए हम सबसे पहले मैदा ले लेंगे। 2 कप मैदा लिया है मैंने। अब 2 कप मैदा लिया है तो उसी के हिसाब से हम जो है पानी डालेंगे। और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, करीब आधा से 1 चम्मच इसमें नमक लगेगा। और फिर हम पानी ले लेंगे 1 कप। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनना है। पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर ज़रूरत होगी फिर डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अंदाजन इसको हमको मिलाना है। मिला के फिर हम इसको एक नरम सा डो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिला लें। बहुत ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है, बस ऐसे मिला लेना है। मिला के इसको रख देंगे रेस्ट के लिए। 10 मिनट बाद इसको फिर से हम थोड़ी देर इस तरह से गूंदेंगे। और गूंदने के बाद फिर हम तैयार करेंगे अपनी पट्टी जो हम बना रहे हैं, समोसा पट्टी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कॉर्नफ्लोर और उसको डाल के फिर हम इस तरह से बेल लेंगे। एकदम बारीक और पतली शीट बनानी है हमको, तो हम 2 तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको बेल लेते हैं। जितनी पतली आप बेल सकते हैं उतनी पतली आप इसको बेलें। तो थोड़ा सा लगाएंगे कॉर्नफ्लोर, करीब आधा चम्मच, फिर इसको बेलेंगे खूब एकदम बारीक से बेल लें। तो पानी रख देंगे हम बॉयल होने के लिए, किसी भगोने या पतीली में, जिसमें भी आप रखना चाहें रख दें। जब ये उबलने लगेगा तो इस पर एक छन्ना रख देंगे इस तरह से, जो हर घर में होता है। तो इसमें रख के इसको हम डाल देंगे, अपनी जो हमने रोटी बनाई है उसको डाल देंगे। और थोड़ी देर में ये अपने आप छोड़ने लगेगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और जो दूसरा तरीका है वो बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। बहुत ढेर सारा एक ही बार में आप बना लेंगे। तो सबसे पहले हम रोटी बेल के रख लेंगे, करीब 5 से 6 एक बार में बनाएंगे। तो सबको हम एक साथ ही बेल के रख लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाएंगे, फिर जो हमने रोटी बेल के रखी है उसके ऊपर एक रोटी और रखेंगे। इसी तरह से दोबारा फिर तेल लगाएंगे और फिर से हम रोटी रखेंगे। पूरे में फैलाना है, जो तेल हम डालेंगे उसको पूरे रोटी में फैला लेंगे। और फिर उसके ऊपर हम फिर से एक रोटी रखेंगे। इस तरह से हम 4 से 5 या आप चाहें तो 5 से 6 भी कर सकते हैं। तो रखने के बाद हम इसको हाथ से फैलाएंगे। बेलन से भी आप फैला सकते हैं, चाहे हाथ से भी फैला सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बढ़ जाता है। तो देखिए, ये मैंने पहले बेलन से उसके बाद फिर हाथ से उसको फैलाया। ये बहुत आसानी से इस तरह से अपने आप फैलता चला जाता है। उसको ऐसे फैलाएंगे और फैला के फिर हम तवा को गर्म करेंगे। आप तवा या पैन, जिसको भी आप जिसमें भी आप रखना चाहें उसमें रख दें। तो उसको गर्म करके उसको डाल देंगे। कुछ सेकंड बाद ही हम इसको पलट देंगे। बहुत जल्दी ये हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। बस तुरंत पलटेंगे और पलट के जो ऊपर वाली रोटी रहेगी उसको निकालेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से निकालेंगे, एकदम बारीक और पतली शीट तैयार हो गई है। बिल्कुल आर पार दिख रहा है, तो कितनी पतली शीट बनी हुई है, बिना मेहनत से बनती है ये। और फिर इसी तरह से हम फिर से पलट देंगे और फिर से उसके जो ऊपर वाला है उसको निकाल लेंगे। ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता चलता है। बड़े आसानी से इस तरह से निकल जाता है। इसी तरह से हम जितनी भी रोटी हमने बनाई है, जितनी भी शीट बनाई है, उसको इसी तरह से पलटते हुए सारी शीट को हम निकाल लेंगे। हमारी सारी शीट बनकर तैयार है। और जो इसका रखने का तरीका है वो भी एकदम आसान है। ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे और ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ना तो हमको इसमें तेल लगाने की ज़रूरत है और ना तो इसमें मैदा या तो कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, एक के ऊपर एक मैंने रखा हुआ है। बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा, ये देखिए। अब हम इसको बना लेते हैं, एक बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक घोल तैयार करेंगे। 2 से 3 चम्मच ले लेंगे मैदा
और उसमें पानी डालेंगे, एक इसका जो लिक्विड बनाएंगे वो थोड़ा सा पतला होगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके उसको घोल लेंगे। हमारा घोल बनके तैयार है। अब हम एक शीट लेंगे और उसके चारों तरफ पहले ऐसे फैला लेंगे। फिर हमने जो फिलिंग तैयार करी है, आप चाहे तो समोसे के लिए या तो फिर स्प्रिंग रोल के लिए, जिसकी भी तैयारी आपने की है आप वो बना सकते हैं, तो उसको हम पहले रख लेंगे। फिर चारों तरफ इस तरह से जो हमने घोल तैयार किया है उसको लगा लेंगे, लगा के उसको ऐसे बंद कर देंगे। ये बहुत आराम से चिपक जाता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तेल को गर्म करेंगे और इसमें जितना भी हमने तैयार किया है स्प्रिंग रोल उसको डाल देंगे और धीमी धीमी आंच पर इसको फ्राई कर लेंगे। फिर आंच को मीडियम कर देंगे, इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो तैयार हो जाएगा हमारा एकदम अच्छा और बिल्कुल भी ना ख़राब होने वाला स्प्रिंग रोल की पट्टी। इस तरह से बना सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस रमज़ान आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।